नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सुल्तानपुर जनपद से आधी गंगा गोमती गुजरी हुई है, उन्हीं के तट पर पर्यावरण पार्क है। वहां प्रत्येक रविवार को आते हैं सैकड़ों परिवार, अपने बच्चों को लेकर लुफ्त उठाते हैं। जब देखा गया तो कई लोग अपने अलग अलग अनुभव बताए। पर्यावरण पार्क का लगातार बढ़ रहा है यहां आने वालों की संख्या। लाइव टीवी समाचार के लिए सुल्तानपुर से जयशंकर दुबे की रिपोर्ट। जी लगाई माँ से कर्जी लगाई, सरस्वती माँ की कृपा हो गई, हमको मिल गया। जब से मिल गया 3 साल से हम गीत गा रहे हैं। आप प्रत्येक रविवार को इस पर्यावरण पार्क हाँ, आते हैं। देखिए इनके गानों को सुनने के लिए भीड़ कितनी, कितने लोग इनके गानों को सुनने के लिए आए हुए हैं पर्यावरण पार्क में। देखिए ये भाई साहब अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर आ गए, इस गाने को सुनने के बाद दौड़ते हुए आए हैं। मैं बिल्कुल प्रेम कुमार वर्मा सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी बड़ी बेटी जब 3 ईयर की थी तब मैं इनके गानों को सुनने के लिए यहाँ आया था संडे को। अब दूसरी वाली भी बेटी मेरी 2.5 साल की हो गई है, अब फिर भी इनके गाने सुनने के लिए आता हूँ। वाह, ये इस बेटी का क्या नाम है? काशवीराज। देखिए भाई काशवीराज को दिखाइए, ये देखिए ये बड़ी वाली 3 साल की थी तब। अच्छा, ये भी बड़ी वाली बेटी है। आइए देखिए ये भाई साहब क्या नाम है आपका? जी शैलेश नाम है। जी मास्क आपने लगाया है, इसका मतलब कोरोना काल का आप जी, बहुत अच्छा है, पालन करना चाहिए। अच्छा, और सबको करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने लगाया भी नहीं है, अरे इस पे क्या कहेंगे आप? लगाना चाहिए क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है और इसे लगाने से हमारी सुरक्षा होगी, हमारा परिवार सुरक्षित होगा। जी जी। और यह हम सबके लिए जरूरी है कि नियमों का पालन करें, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है रहेगा। चाचा के गाने कैसे लगे? अरे बहुत अच्छा है, इस उम्र में इतना सुंदर गाना, एक बहुत काबिलियत है, इनके लिए मैं ताली हो जाता हूँ। देखिए ताली भी लोग बजा रहे हैं, ये बच्चियां भी आ रही हैं, बच्चियां भी गानों को सुनकर लगता है यहाँ पहुँच गई। क्या नाम है बेटा? अंजलि सिंह राजपूत। कहाँ से आती हो, कहाँ की रहने वाली हो? मैं सुल्तानपुर की हूँ। कहाँ, किस मोहल्ले की? विवेक नगर। ये देखो टहलने आई थी और बाबा जी के गाने को सुनकर यहाँ दौड़ती हुई चली आई। मैं लाइव टीवी समाचार 24/7 कैमरामैन अनिल अग्रहरी के साथ जयशंकर दुबे सुल्तानपुर में हम उन्हीं क्रम में आगे जब बढ़े तो मैंने देखा कि मोहम्मद रफी के पुराने गाने, पुराने गजल गजब के गाते हुए मिले चाचा जी हमारे। देखिए क्या गाना गा रहे हैं। तब से देखा तो तेरे आँखों के इशारे, बदल कर हर जीवन में साजन तुझे पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के धड़कन उड़ जाती, ओ प्यार के पंख लगा के धड़कन उड़ जाती, जहाँ पे गम की हवाएं हम तक पहुँच न पाते। खुशियों से मैं कहता अब ये घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। चाचा जी ने कितने सुंदर गजल और मोहम्मद रफी के गाने गए। सुल्तानपुर एक ऐसी धरती है जहाँ पर वीरों, चाहे वो संगीत का माध्यम हो, चाहे
सुल्तान गायक सुल्तानपुरी की बातों को किया जाए। देखिए चाचा जी का क्या नाम है, आइए हम नामों से जानते हैं। जी चाचा जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय नारायण है। आप इन गानों को कितने दिन से गाते हैं? मैं गाते हो गया 3 साल से। आप इसके पहले कौन सा कार्य करते थे? पहले हम काम करते थे। कहाँ करते थे? प्राइवेट बनने के यहाँ। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, कैमरामैन लिग्रेजी से चाहूंगा कि भीड़ की तरफ घुमा मैं। आइए हम घूमते हैं, देखते हैं। जी आप लोग यहाँ क्या करने आए भैया? आइए खड़े जाओ भाई, आ जाओ 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 बेटा। क्या नाम है बेटा? अभिषेक सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, बनगांव अंबेडकर नगर का हूँ। तो कहाँ रहते हैं आप? यहीं पीछे रहता हूँ बाजे पीरियड। तो प्रत्येक रविवार को आप घूमने आते हैं? आज आया था ऐसे। तो अपने साथियों के साथ? हाँ। इनका क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ रहते हो बेटा? ये एके सिंह हॉस्पिटल के पीछे। अच्छा तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा बीकॉम सेकंड ईयर है। यहाँ कैसा लगा, इस पार्क में आए कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और कहाँ कहाँ घूमे इसमें, आपने क्या देखा इसमें, आपने अच्छाइयाँ इस पर्यावरण पार्क में आपने अच्छाइयाँ क्या देखी? यहाँ की अच्छाइयाँ बहुत है, हरियाली है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत पौधे भी अच्छे लगते हैं। तो क्या नाम बताया आपने? अभिषेक दुबे। ये देखिए अभिषेक दुबे जी हैं। अभिषेक दुबे जी कहते हैं कि मैंने हरियालियों को देखा, पौधों को देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ अध्यापन कार्य करने के लिए जनपद में आए हैं और यहाँ घूमने टहलने अपने साथियों के साथ आए हैं। लाइव टीवी समाचार से कैमरामैन अनिल अग्रहरी के साथ जयशंकर दुबे, सुल्तानपुर। आज मैं सुल्तानपुर जनपद के पर्यावरण पार्क में आए हैं। यहाँ रविवार को कई परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ टहलने आते हैं। यहाँ निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि भीड़ को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि कई परिवार के लोग यहाँ अपने बच्चों की खुशियों को प्राप्त करने के लिए आते हैं। हम भीड़ से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ इस पार्क में आकर अपनी खुशियों को हासिल करते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं भीड़ के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं कैमरामैन अनिल अग्रहरी जी से चाहूँगा कि भीड़ की तरफ कैमरे को घुमाएं और भीड़ की तरफ देखें, जैसे कुछ परिवार वाले हैं भीड़ की तरफ। आइए हम